तो अनोखा अंदाज सीएम का दिखाई दिया। वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की, तो शुक्रवार को कोरबा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र यानी कि पाली थानाकार विधानसभा के पसान में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज कहा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, झूठ का पुलंदा है, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस के जहाज में छेद हो चुका है, वो कभी भी डूब सकता है, इसलिए लोग अपना भविष्य देखते हुए भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली है। झूठ बोलने में बहुत माहिर है, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी, और इसलिए एक छत्र रूप से शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक 55-60 साल तक एक छत्र रूप से शासन किए, आज उनकी स्थिति कहाँ पहुंच गई है, उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहना चाहिए। देश की जनता उनको नकार चुकी है।